हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एडुकेशन। मैं रमेश सिंह यहाँ पर एएलपी स्टेज टू यानी एएलपी का ट्रेड एग्ज़ाम की बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं रेफ्रिजरेशन ट्रेड को यहाँ पे कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा और ये एक अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं टॉप 200 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और क्वेश्चन बाइज क्वेश्चन मतलब स्टेप बाइज स्टेप जो है फैक्ट्स या फिर जो भी डिटेल्स हो, जो भी थ्योरी हो, उसको भी डिस्कस करते चलूँगा, ताकि इसका जो सिलेबस है काफ़ी कम्प्लेक्स है और डिटेल में है, आपको इनसाइड घुस के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अंदर जाकर। लेकिन मैं इसको आपके लिए काफ़ी इजी बना दिया हूँ। आप ये लेक्चर देखेंगे, फिर अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर मैं जैसा बता रहा हूँ अच्छा बता रहा हूँ तो आपका रिव्यू की मुझे ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इस पूरे सब्जेक्ट्स को इजी वे में आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स या फिर थ्योरीज को काफ़ी इजी वे में। तो देखते हैं पहला सवाल जो है दोस्तों, देखिए रेफ्रिजरेशन का 1 टन बराबर होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, और इवन जो थ्योरीज में डिस्कस करने वाला हूँ उसे भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसे भी पूछने की काफ़ी संभावना रहेगी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि रेफ्रिजरेशन का 1 टन बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,000 BTU प्रति घंटा, और यहाँ पर ये छूट गया तो प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं कि BTU क्या है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि BTU का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये है क्या ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU? तो ये हीट का जो उष्मा का एक मात्रक है, बस उष्मा का मात्रक है। अब देखिए एक्चुअली में BTU को समझते हैं तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट उष्मा का मात्रक है, समझ गए, लेकिन ये होता क्या है, इसका मतलब परिमाण क्या है, ठीक है। तो इसका जो परिमाण है, 1 पाउंड वाटर अगर रहेगा उसका टेम्परेचर, 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फॉरनहाइट से बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों, 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फॉरनहाइट से बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम कहेंगे 1 BTU। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब देखिए रेफ्रिजरेशन का जो कैपेसिटीज होता है उसको हम टन में ही मापते हैं, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है। तो जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाइएगा, देखिए आप इसमें कैसे इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। तो मान लीजिए कि ये जो देखिए ये जो मेरा है ना, ये बॉक्स जो है, मान लीजिए कि ये आइस का बॉक्स है, ठीक है, 1 टन ऑफ आइस है। तो देखिए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो कैपेसिटी, उसको ऐसे समझते हैं कि देखिए कूलिंग इज टिपिकली मेजर्ड इन टर्म्स, जो है रेफ्रिजरेशन जो कूलिंग होता है, तो 1 टन ऑफ कूलिंग इज इक्विवेलेंट टू 12,000 BTU पर आवर। देखिए यहाँ पे उसके बाद 12,000 BTU पर आवर इज द अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट होता है ये, तो रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे में 1 टन आइस के ब्लॉक को पिघलाने के लिए 12,000 BTU पर आवर, इतनी जो है उष्मा हमें लगती है, और यही है रेफ्रिजरेटर का कैपेसिटी, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट में भी जो रेफ्रिजरेटर हम लोग के यहाँ मिलता है तो इसी तरह का मिलता है, कैपेसिटी वाइज ही हम लोग खरीदते हैं। और नॉर्मली आपको पूछ सकता है कि हम लोग के घर में जो यूज़ करते हैं उसका कैपेसिटी कितना होता है, तो इस तरह का भी देखिए, क्योंकि ये ट्रेड जो है प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेड होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेड होता है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अप टू 100 स्क्वायर फीट तो 0.8 टन की आवश्यकता होगी, अप टू 150 स्क्वायर फीट तो 1 टन वाले एसी की आवश्यकता होगी, अप टू 250 स्क्वायर फीट 1.5 टन, और 400 स्क्वायर फीट 2 टन। तो नॉर्मली लगभग 3 टन तक का कैपेसिटी का नॉर्मली मार्केट में मिलता है। तो ये था इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक थर्मोमीटर अनुभव करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेंसिबल हीट, ठीक है। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस, ये क्वेश्चन काफ़ी भी है, आप याद रखिएगा सेंसिबल हीट। सेंसिबल मतलब क्या होता है कि जो कि किसी सामने वाले के एक्शन को देख के रिएक्ट करे, यही है सेंसिबल। अब इसको समझते हैं तो इसका कि ये आंसर क्यों हो गया। तो ये नॉर्मली थर्मोमीटर है, ठीक है। थर्मोमीटर में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज जो होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में लगा दिया, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, जो पारा इसमें है, जो इसमें पारा है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा धीरे 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 धीरे। देखिए वो पारा जो है, वो पारा धीरे 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 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है या हमारा शरीर का ज़्यादा है तो,
ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो जो भी पारा है इसमें तो निगेटिव नहीं छूएगा, अगर निगेटिव वाला भी स्केलिंग किया रहेगा इस स्केल पर तो वो टेम्परेचर धीरे 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 नीचे आएगा। तो ऐसे ही टेम्परेचर तो क्या करता है कि सेंस करता है, इसीलिए इसको बोला गया सेंसिबल। ठीक है, सेंस करता है कि एम्बियंट टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है या कम है, उसके अनुसार पारा जो है ऊपर या नीचे मूव करता है। अगर थर्मामीटर में नीचे तक का माइनस टेम्परेचर स्केलिंग किया गया हो तो ये नीचे भी मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं हम कि लैटेंट हीट इसको मतलब इसको सेंसिबल हीट क्यों बोलते हैं और लैटेंट हीट क्या चीज़ है, इसका एक पूरा डिक्लेयर कर लेते हैं, मतलब क्लियर कर लेते हैं, आसानी होगी समझने में। तो ये देखिए, ये जो है वाटर का, ठीक है, वाटर जो है हीटिंग एक तरह से कर्व है, वाटर हीटिंग कर्व है जिसमें वाई एक्सिस जो है टेम्परेचर को दिखा रहा है। देखिए ये वाई एक्सिस टेम्परेचर को दिखा रहा है और ये टेम्परेचर को दिखा रहा है, और एक्स एक्सिस जो है हीट को दिखा रहा है, उष्मा को दिखा रहा है। अब समझते हैं, जो ही सबसे पहले जो बर्फ था, ये जो पोर्शन है, ये जो आइस है, देखिए क्या होता है कि आइस को जब हम गर्म किए, ठीक है, धीरे 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 वो पिघलते 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 एक स्टेज पे पहुंचेगा जहां पे क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए इस स्टेज पे क्या होगा कि बर्फ जो है कंप्लीटली पानी में बदल जाता है, ये लाइन। तो इस टाइम के लिए, इस देर के लिए जो टेम्परेचर, देखिए 0 डिग्री पर टेम्परेचर बढ़ना थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? तो जो हम हीट दे रहे हैं, नॉर्मली क्या था पहले, -40 से 0 तक वो टेम्परेचर बढ़ा रहा था, लेकिन 0 डिग्री पे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ना रुक हो गया और अंदर में ही एनर्जी मेरा उसमें खर्च हो रहा। क्यों खर्च हो रहा है? तो आइस को कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, इस पॉइंट तक आइस को कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट कर दिया गया डी से सी में, तो इसको बोलते हैं फेज चेंज। तो इसमें जो हम उष्मा दिए, वो उष्मा हमको तो दिखा नहीं टेम्परेचर राइज के रूप में, तो उस उष्मा को हम बोलते हैं छुपा उष्मा या लेटेंट हीट बोलते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप ये लिख लीजिएगा। अब देखिए फिर क्या हो गया, फिर हम जब आइस कम्प्लीटली पानी में या वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब पॉइंट सी से जब हम फिर हीट दे रहे हैं, हम उष्मा दे रहे हैं, तो फिर देखेंगे टेम्परेचर राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, जब एफ पे आ जाएगा, जब कम्प्लीटली, ठीक है, जब एफ पे आ जाएगा तो एफ पे क्या होता है कि 100 डिग्री पे वेपर बनना, मतलब वाष्पन हो स्टार्ट होता है, वाष्प बनना। अब क्या होगा, जब एफ से जी तक जाएगा तो फिर वही चीज़ होगा कि टेम्परेचर हम देखेंगे हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? तो फिर वो गुप्त उष्मा जो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको बोलते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ये जो उष्मा लगेगा, उसमें फिर फेज चेंज लगेगा कि वाटर को कम्प्लीटली वेपर में बदल देगा। ठीक है, पानी को कम्प्लीटली वेपर में बदलने के लिए जो उष्मा लगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोले। तो ये भी लेटेंट मतलब छुपा हुआ या गुप्त उष्मा है, और फिर जब वेपर बन जाएगा फिर हम हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर इंप्रूव करेगा। तो जब जब हम हीट दिए, उष्मा दिए और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं, और जब नहीं बढ़ रहा है तो उसको लेटेंट हीटिंग बोलते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और इसीलिए थर्मोमीटर का जो मेजरमेंट है वो देखिए आप क्वेश्चन पे, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ, सेंसिबल हीट होगा। क्यों होगा तो आपको मैंने समझा दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पाउंड पानी का 2 डिग्री फॉरेनहाइट से तापमान बढ़ाने के लिए कितना ताप आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 BTU। अब कैसे हुआ तो समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो हीट जो एडेड होता है, उष्मा जो जुड़, कितना उष्मा लगेगा किसी का टेम्परेचर इतना से इतना बढ़ाने के लिए, तो उसका एक फॉर्मूला है क्यू इजिकल टू CmΔT। सी जहाँ पे स्पेसिफिक हीट है और एम मास है, डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर चेंज करना था और सी जो है उसका वैल्यू दिया नहीं था, लेकिन मास का वैल्यू दिया था, तो सी का वैल्यू नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे और 5 × 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसीलिए ये 10 आंसर हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो क्यू इजिकल टू CmΔT हो गया। इसको इसका कॉन्सेप्ट समझ के, कभी कभी क्या होता है कि सी का वैल्यू जो है, आपको देखिए सी का वैल्यू कभी कभी आपको पूछ देता है, तो इसका वैल्यू आप याद रखिएगा। सी का, इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बोलते हैं, इसका वैल्यू है 4.1 किलो जूल। इसका यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है, किलो जूल पर केजी कैल्विन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या किलो हटा देगा तो 1000 से गुना कर देगा तो 4185 के आसपास लगभग। ये देखिए मैं इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4185 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जूल पर केजी कैल्विन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स था इसके बारे में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शून्य गेज प्रेशर एब्सोल्यूट स्केल पर किसके समतुल्य है? तो शून्य गेज प्रेशर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14.7। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये होता कैसे है, इस चीज़ को समझते हैं। तो ये जो मेरा है, देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन मेरा जो है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन इसको बोलते हैं। मतलब कोई भी प्रेशर जो मापा जाएगा एनवायरनमेंट का या फिर किसी भी अपार्टस का भाई, कोई भी इक्विपमेंट का, सब इसके लिए एब्सोल्यूट मतलब इसी से मेजर रेफरेंस मेरा यही रहेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। आप देखिए समझिए अब, और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर का लाइन है, ठीक है। अब समझते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर का लाइन है। अब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर मापा जाएगा उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो से नापा गया। और एटमोस्फेरिक प्रेशर से जब किसी का नापा जाएगा तो दो तरह का प्रेशर होता है। ऊपर जब जाएगा तो गेज प्रेशर, गेज पॉजिटिव प्रेशर, नीचे जाएगा तो गेज निगेटिव प्रेशर। और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव नॉर्मल, उसको गेज प्रेशर बोलते हैं, और नीचे जाएगा तो उसको वैक्यूम बोलते हैं। देखिए ये लिखा है वैक्यूम, तो इससे नीचे आया तो वैक्यूम, इससे ऊपर गया तो गेज पॉजिटिव, और ये गेज निगेटिव। तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। देखिए अब जब भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेज प्रेशर क्या, कौन सा प्रेशर होता है, तो गेज प्रेशर हमेशा एटमोस्फेरिक प्रेशर से मापा जाता है। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो निगेटिव, और जो नीचे गया तो उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि निगेटिव है। अब देखिए अब कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि गेज प्रेशर एक फॉर्मूला दे देगा कि गेज प्रेशर जो है बराबर क्या होता है। तो गेज प्रेशर बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोल्यूट स्केल से यहाँ तक का। अब ये है मेरा गेज प्रेशर और ये है मेरा एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, और एटमोस्फेरिक प्रेशर को ही बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर हो गया मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, प्लस ये पॉइंट मेरा यहाँ से यहाँ तक, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो गया, बैरोमेट्रिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अगर गेज पॉजिटिव है, निगेटिव रहता, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो जाता, मान लीजिए कि यहाँ तक ये एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, इतना यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस ये जो निगेटिव वाला है वो घटा देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, या एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, क्योंकि गेज जब निगेटिव होता है तो वैक्यूम हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रेशर से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है एक तरह से। देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम का आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, कंप्रेसर कैपेसिटी पर प्रभाव होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अब मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों इस फिगर में, आप समझिए, ये जो है मेरा, ये है मेरा पिस्टन। पिस्टन मतलब मान लीजिए कि आपका बाइक है, तो बाइक के अंदर जब फ्यूल डालते हैं तो जो फ्यूल जहाँ पे बर्निंग होता है, ठीक है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, तो सिलेंडर में मान लीजिए कि ये मेरा पिस्टन है, ठीक है। अब सिलेंडर, ये टोटल सिलेंडर है और ये पिस्टन है मेरा जो कि मूव करेगा अप एंड डाउन। तो पिस्टन जब सबसे नीचे रहेगा तो उस पॉइंट को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, BDC यहाँ लिखा हुआ है। जब पिस्टन एकदम ऊपर रहेगा सिलेंडर के, तो उसको बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे निचले पॉइंट को, पिस्टन के सबसे निचले पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसको BDC बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। ऊपर वाले पॉइंट को TDC बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। तो एक ऐसा पोर्शन है जब पिस्टन ये बढ़ते 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 यहाँ तक आ जाएगा, तो एक डॉटेड डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड डॉटेड लाइन, इस लाइन से ऊपर पिस्टन इस तरह से बनाया जाता है सिलेंडर की नहीं जा सकता है। तब भी जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर रहेगा, और तब सिलेंडर के अपर वाल जो है, ये इसके बीच में भी कुछ गैप है, इसी गैप को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब समझते हैं, तो एक बार मान लीजिए कि सिंपल कॉन्सेप्ट में क्या है कि सिलेंडर जितना बड़ा होगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, उस उतना ज़्यादा उसमें फ्यूल जाएगा और एयर जाएगा, और एयर बर्न करके वही विस्फोट होता है, तो वही पावर देता है हमारे इंजन को, ठीक है। तो इंजन जितना छोटा रहेगा, बर्निंग उतना छोटा क्वांटिटी में होगा, और कम क्वांटिटी में होगा तो कम बड़ा विस्फोट होगा और कम एनर्जी मिलेगा। तो क्लियरेंस वॉल्यूम का यही कॉन्सेप्ट है कि क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर मान लीजिए यहीं आके मेरा पिस्टन रुक जाता तो क्लियरेंस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रह जाता, तो मेरा इस, और कैपेसिटी तो इसका इसी के अंदर में जो बर्न होगा वो हम यूज़ कर पाएंगे एनर्जी के रूप में। तो क्लियरेंस वॉल्यूम का काफ़ी इफेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा तो हमारा एनर्जी कम मिलेगा, उष्मा इससे कम मिलेगी, कम होगा तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसके डिजाइन इम्पैक्ट पे फिर असर पड़ेगा। तो दोनों तरह से क्लियरेंस वॉल्यूम जो है एक ऑप्टिमम वे में, एक ऐसा पोजिशन पर रहना चाहिए
ताकि ना ज्यादा हो ना ज्यादा ना ज्यादा ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था जिसका असर पड़ता है हमारे कैपेसिटी के ऊपर। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे जुड़ी तमाम फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में रेफ्रिजरेटर के ट्रेड जो भी स्टूडेंट्स लिए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट करना हो मैं इसमें करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।